न्याजी साहब। हमारे दोस्त मारूफ शायर शुआब बिन अजीज साहब का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है। उनके उनके फिक्रे जो है पाकिस्तान में आम है कि क्यों उदास फिरते हो, इस तरह तो होता है सारे कामों में। उनके फिक्र है कि किसी से सच का मजाक ना करो, वो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो पहली बात तो यह है कि अगर किसी को आपने सवाल किया और वो सच्चा सवाल है तो जाहिर है उसे गुस्सा होगा। दूसरी बात यह है कि पीटीआई का डिलेमा क्या है, इसके अंदर जो उनके जो जो नेटिव्स हैं, जो ओरिजिनल्स हैं, जो उनके जम्पल है, उनका वो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे हैं। ये जो इंडस्ट्री के अंदर ये लोग ज्यादा जानते हैं कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि उनसे मशीनों को भी खतरा होता है ये कि ऑन जॉब ट्रेनिंग हो रही है। दूसरा मुझे जो है, और इसलिए जो दूसरे जो आए हैं ट्रेन लॉट आई है जो जो कि हायर्ड है, वो उनका एक अपना उसने जो क्योस क्रिएट किया हुआ है, तो ये एक वो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है चूचू का मुरब्बा, और ये नतायज भुगत रहे हैं। मुझे सिर्फ एक फिक्र आपको बड़ा अच्छा लगा है कि हम जो जंगल लॉट हैं जो बड़ी उम्मीदें लगा बैठे, अब जंगल लॉट ना गिरा के हमारे जैसे जो सादा लोग पाकिस्तानी हैं उसमें हमारे मेरे जैसे उम्र के लोग भी हैं और आप जैसे यंगस्टर्स भी हैं, ये हम सादे लोग पाकिस्तानी कि खुदावन ये तेरे सादा लोग बंदे किधर जाएं कि यहाँ दरवेशी भी आई जा रही है, सुल्तानी भी आई जा रही है। देखें ये जो है ये खाता है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, ये इतना आम कारोबार है जारी जो धोखा चिकनी चपड़ी लाट के लोगों को बातों में मोह लेना। आप जैसे यंगस्टर जो है उनका कसूर ये नहीं कि वो यंगस्टर है, उनका कसूर ये कि वो सादा लोग हैं, वो अज्ञानदार थे या कम अज कम एक जो है फ्रस्ट्रेशन में वो इसके पीछे चल पड़े। तो बाकी फैसल वाडर साहब जो है वो एक है टेम्परमेंटल आदमी है और वो जो है वो वही कुछ उन्होंने किया है जो उनसे तो है कि स्पर ऑफ द मोमेंट में ठीक है।